हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार, इन दिस वीडियो हम बात करेंगे एक नए रूट की जो है कायरो वाला। तो कायरो वाला रूट अभी रिसेंटली थोड़ा सा चालू हुआ है, तो इस रूट की सारी बातें डिस्कस करी जाएंगी ए टू जेड। क्या क्या इसमें इसके बेनिफिट्स हैं, कहाँ से आप टिकट कर सकते हैं, क्या क्या रूट रहेगा, सारी बातें बताऊंगा। क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है ये भी सारे बता दूंगा इस वीडियो के थ्रू। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, आपको बता दूँ कि इसके बाद भी और सारी वीडियोस आई हैं ट्रैवल को लेकर। बहुत सारे रूट को मैंने डिस्कस कर चुका हूँ अब तक मैं, तो अगर आपने वो भी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं वो भी। और फिर आप टोटल को कंपेयर कर सकते हैं कि आपको कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगा। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी वो सारी, उस दिन प्राइस कुछ और थे, और आज अगर आप चेकआउट कर रहे हैं तो आप प्राइस कुछ और हो सकते हैं। तो आप बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि उस दिन 1.6 में कौन दे रहा है, 1.7 में कौन दे रहा है, तो प्राइस बहुत रैंडमली चेंज हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं, वो हो सकता है एक ये वीडियो डालने के बाद भी प्राइस चेंज हो जाए, तो प्राइस को लेकर मुझसे ज़्यादा वो ना करें। तो इस रूट की सारी बातें बताई जाती हैं। ये रूट शुरू होता है दिल्ली, या फिर आप इंडिया में बहुत सारी जगहों से है, आप दिल्ली से जा सकते हैं, मुंबई से जा सकते हैं, और हैदराबाद वगैरह से भी है, शायद बेंगलोर से भी है। तो दिल्ली टू आपका मस्कट, मस्कट में आपका मस्कट से है आपका अगला जो है वो है कायरो। तो कायरो में आपका स्टे रहेगा, कायरो में स्टे रहने के बाद आपका आरटीपीसीआर वगैरह रहेगा। उसके कायरो में स्टे रहने से पहले आपको एक एंटीजन टेस्ट करवाना पड़ेगा कायरो पे जाने के लिए, मतलब कायरो में स्टे करने के लिए। वहाँ पर आपका एंटीजन टेस्ट होगा, जिससे आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट जिसे बोलते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। अगर आप पॉजिटिव आ गए तो आपको फिर आरटीपीसीआर भी देना पड़ेगा वहाँ पर। अगर उसमें भी आप नेगेटिव आए तब तो सही है, अगर उसमें नहीं आ पाए तो आपको वहाँ पर क्वारंटाइन या फिर जो भी उनकी रहेगा मसला वो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आरटीपीसीआर वहीं पर करवाना रहेगा। आरटीपीसीआर करवाने के बाद आप जा सकते हैं आगे टोरंटो वगैरह, या फिर जहाँ भी आपको कनाडा में जाना है, तो वहाँ से वो रूट रहेगा आगे का। तो ये पूरा एक रूट है, दिल्ली टू मस्कट, मस्कट टू कायरो, कायरो टू कनाडा, के जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं वहाँ पर। तो ये पूरा रूट है। इसकी जो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है वो अराउंड, इस टाइम जो मैं अभी करेंट वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख के अराउंड है। तो ये इस पर आप मुझे जज ना करें, तो 2 लाख के अराउंड अभी की मैं बता रहा हूँ, बाकी आगे का मुझे नहीं पता। तो ये सारी कॉस्ट के लेकर बात हो गई। लेकिन इस कॉस्ट में एक बात इसकी अच्छी है कि इसमें सारी चीज़ें आपकी होटल, ज़्यादातर होटल का जो खर्चा है और आपका आरटीपीसीआर वगैरह का जो भी है, ज़्यादातर पैकेज में इंक्लूडेड है। तो ये सारी की सारी पूरी जर्नी का मैंने आपको बता दिया। यूजुअली लोग ये सारा का सारा पूरा पैकेज है किसी न किसी एजेंट के थ्रू ही प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा प्लान करना अपने आप बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हैं इन्वॉल्व तो आप कर भी सकते हैं खुद भी, दैट डजेंट मैटर। तो अगर आप नए हैं तो आप मेरे हिसाब से भी एजेंट लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और एजेंट कौन सा लें ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एजेंट वो लें जो आपके आसपास हो, ऐसा नहीं कोई मैं बता दूँ या फिर किसी मुझसे पूछ रहा है कि कौन सा लें, या फिर किसी और यूट्यूबर से, या फिर किसी से भी पूछ रहे हैं, तो वो मैटर नहीं करता है। आप जो भी आपके पास में हो वो लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप उससे पर्सनली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये इस रूट की सारी बातें थी, खर्चा भी मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। थैंक यू।